हेलो भाई साहब, कौन है आप? क्या क्या कर रहे हैं? सायरा को पिक करने आया। सायरा कौन है? समरा की फ्रेंड। आपकी तारीफ? शौहर हूं समरा का, पता लगी तारीफ? साद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सायरा को बुला देंगी? हाँ जी, आप अंदर तो आए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, मुझे लेट हो रहा है, बस सायरा को बुला। अरे ऐसे कैसे आए ना? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं रुक नहीं सकता, जल्दी में हूँ। साद भाई, इतना बोल रही है तो चलो। लो, हमें कोई इतनी दावत है, हम तो कभी ना रुके। तुम चाय बनाओ, मैं लेके आ रहा हूँ। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, बड़ा मच्छर है भाई यहाँ पे, लगता है तुम्हारा बड़ा आना जाना है, बड़े मरासम है इफ्रा के साथ। साथ भाई हैं आपको लेने, राशिद भाई भी आए साथ। चले। जी सायरा की फ्रेंड है, तो मैं ही पिक एंड ड्रॉप करने आता हूँ। बहने हैं तो अकेला नहीं छोड़ सकता, फिक्र लग रही है। हाँ जाहिर है, यहाँ तो तुम ही आते होगे पिक एंड ड्रॉप करने। जहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियां हों वहां भला चक्कर कौन नहीं लगाएगा? सायरा, ये मेरे शौहर है राशिद। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। और ये मेरी बचपन की दोस्त है सायरा। ये कैसी बचपन की दोस्त है जो शादी पे नहीं आई? लो। अब राशिद भाई, मसरूफियत बहुत ज्यादा थी, जैसे ही पता चला ये आई है, मैं देखे ना मिलने चली आई। हाँ हाँ, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्यों नहीं, क्यों भाई? क्या हो गया इतनी खामोशी? सायरा चले। अब हाँ चलो समरा, फिर आऊँ। मैं अम्मी अबू को बताती हूँ आप आ गए, प्लीज बैठे। हमसे खता क्या हो गई थी, ये क्या साथ भाई चले गए? मुझसे ये पूछ रही हो? उसका सेक्रेटरी हूँ मैं। वैसे राशिद भाई, आपने तो बहुत ही अच्छा किया, आप आ गए, आप ही बहुत खुश होंगे। अच्छा जाओ, उसको बुला के लो, देर हो रही है मुझे, जाओ ना। क्या बात है, आपका मूड क्यों खराब है? मतलब कि शादी पे भी आपका मूड ऑफ लग रहा था और फिर आप ही को कहीं घुमाने भी नहीं लेके गए, सब खैर है ना? क्या करूं, नाचू गाऊं भंगड़ा डालूं? जबरदस्ती तुम्हारी आप ही को मुसल्लत कर दिए मेरे पे अब्बा ने। शादी का कोई शौक वौक नहीं था मुझे। अब तो हो गई है ना शादी, तो वो भी निभा रही, आप भी निभाएं। क्यों नहीं निभाएगी बताओ, उसको तो निभानी चाहिए, क्या कमी है मुझ में? हाँ, इतना हैंडसम अमीर कबीर, किस चीज की कमी है? और मुझे क्या मिला, क्या मिला? ठेंगा। आपकी इतला के लिए अर्ज है, मेरी बहन को भी कोई रिश्तों की कमी नहीं थी। हाँ। वो जाए थे ना सात भाई,
उनका रिश्ता भी आया था, उनकी अम्मी अबू तो पीछे पड़ गए थे हमारे। ये जो भी आया था? जी वही, अपनी बहन को लेने के लिए आए थे। माशाल्लाह से इंजीनियर है। समरा, समरा जी, चलो चलें। अरे आप चाय तो पी लें? पी चुका चाय, खा भी लिया सब, चलो। राशिद भाई, तो जाते जाते फिर अम्मी अम्मू को मिल लें। तो क्या डायरेक्ट कमरे में घुस जाऊं? गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, आओ। एक मिनट प्लीज रुक जाए, मैं खाना बना लूंगी ना, डिनर करके जाइएगा। नहीं नहीं, बहुत मेहरबानी, बड़ा चाइनीज बना के खिलाएगी मुझे। कहाँ से आ रहे हो? बता के गया था आपको, आजर की तरफ जा रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। कनाडा से झूठ बोलना सीख कर आए हो? कौन सा झूठ बोला है मैंने? तुम आजर के बहाने अपने चचा के घर बैठे रहे। अम्मी आपके सामने मैं समराबाजी को लेके गया, उन्हें वहां ड्रॉप किया, कुछ देर उनके साथ बैठा हुआ, उसके बाद मैं आजर की तरफ चला गया, वहां मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई और आजर ने आपको फोन करके बता दिया। तुम्हें चचा के यहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? तुम समरा को दरवाजे पर छोड़ते, अपने काम से निकल जाते, वहां बैठकर चाय पीने की जरूरत क्या थी तुम्हें? अम्मी चचा है वो मेरे, मैं जा सकता हूँ वहां, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वहां बैठ सकता हूँ उनके साथ, चाय पी सकता हूँ। चलो ठीक है, अब मुझे जरा असल वजह भी बता दो। क्या असल वजह हो सकती है? जवाब, मैं माँ हूं तुम्हारी, कोई रिश्ते की चची फूफी ताई नहीं हूं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम्हारा दिल किस तरफ खींच रहा है सब खबर है मुझे। अम्मी तो फिर बता दे, क्या है मेरे दिल में, क्या है मेरे दिमाग में? राशिद की किस्मत तो फोड़ दी तुम्हारे बाप ने, लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी किस्मत का फैसला मैं करूंगी, तुम्हारी माँ। अम्मी आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले मेरी किस्मत बदलने की, जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है ना वो मुझे मिलेगा। आप जितना मर्जी जोर लगा ले और मैं जितनी मर्जी जिद कर, कुछ नहीं बदलेगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। जाओ। जवाद के कहने पे आप आ ही गए थे तो अम्मी अबू से भी मिल लेते। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम आज यहाँ पे करने क्या आई थी, किन चक्करों में थी? चक्कर? शादी के बाद एक बार भी घर नहीं गई, सबसे उदास हो रही थी तो मैंने सोचा कि। अच्छा, उदास हुई भी थी मैडम, उस उदासी में कौन कौन शामिल था जरा ये भी बता दो। क्या कहना चाह रहे हैं आप राशिद? सब पता है मुझे, साध के चक्रों में आई हुई थी ना, वो साध का बच्चा जो वहां टुनटुन आ रहा था उसी से उदास थी ना। ऐसा कुछ नहीं है, वो साध तो सायरा को पिक करने आया था। ये सब पिक एंड ड्रॉप के चक्रों में ही होता है, डेटे बेटे ये वो, मुझे क्या समझाओ तुमने, चूचा हूं मैं, बच्चा हूं रोटी को चोची कहता हूं, सब समझ आ रही है मुझे तुम्हारे चक्करों की। ऐसा कुछ नहीं है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो ये तक मालूम नहीं था कि वो वहां मौजूद होगा। और वो जो तुम्हारी चलाको बहन है ना, वो क्या कर रही थी भला? साथ की तारीफों पे तारीफें, तारीफों पे तारीफें, मुझे तो लग रहा था जैसे वो उसका बहन हुई है, मैं नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं राशिद, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसी बातें क्यों कर रही राशिद, ये ज्यादा मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, मुझे सच सच आप बताओ चक्कर है क्या आखिर, बोलो। उसने तुम्हारे से रिश्ते की खातिर जूतियां घिस दी थी अपनी, पता है मुझे सब। आप गलत सोच रहे हैं, शुरू तुम्हारे ड्रामे,
शुरू ड्रामे, मैं मान ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि तुम भी पहुंच गए और वो भी पहुंच गए वहां पे? अब कह देना इत्तेफाक था, हसीन इत्तेफाक, सब पता है मुझे। सच कह रहे हो आप गलत समझे, आप मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं तो उठाओ कसम। नहीं उठाओगी कसम, जानता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। तुम घर चलो, हलफ उठाओगी आज, कुरान उठाओगी तुम, समझ आई तुम्हें? ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। मेरी तो किस्मत फूट गई, मुझे क्या पता दोनों इतनी चलाक बहने हैं, दोनों मिली हुई इस काम में, दोनों मिली हुई है। बंद करो रो भाला। ये राशिद और समरा किधर है? बहू रानी तो मैके गई है और राशिद का पता नहीं। राशिद भाई जो हैं समरा बाजी को लेने गए हैं मेरे कहने पे, मैंने उन्हें समझाया था। अच्छा किया बेटा, राशिद को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। वैसे एक और अच्छा काम किया मैंने। वो क्या? मैंने जॉब ढूंढ लिया। आज़र ने मुझे एक जगह रेकमेंड किया था और आज मेरा वहाँ इंटरव्यू था, तो आई गॉट द जॉब। मुबारक हो। थैंक यू। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने लगे इसके लिए लड़की ढूंढना बहुत जरूरी हो गया। देख लूंगी भाई लड़कियाँ, अभी जो बड़े बेटे की शादी की है ना उसकी थकन उतर लेने दे। थकन किस बात की, हलचल आए क्या शादी में? मैं तो कहता हूँ कि ये पहले हो गई ना आपकी मर्जी, ये मेरा शहजादा बेटा है, इसके लिए तो मैं कोई शहजादी ढूंढ कर लाऊंगी। अम्मी इसका ये मतलब है कि मैं तो कवारे ही रह जाऊंगा, आम सी लड़की ले आई उससे मैं शादी करूं, प्लीज। क्यों भाई, एक ले आई हूं ना आम सी लड़की, तुम्हारे लिए तो मैं कोई खास लड़की लेकर आऊंगी। वो मुझे जरा बैंक जाना है, तुम जो जेवर निकलवाए थे ना शादी के लिए वो मुझे दे दो, मैं लॉकर्स में रख दूँ। और समरा से भी कहना वो भी दे दे, घर में रखना सेफ नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ समरा से बात। और जवाब, जब तुमने पढ़ाई बाहर की है तो जॉब भी जाकर बाहर करो ना। अम्मी मुझे तो नींद आ रही है, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। क्या करती हो यार, तुम्हारे साथ रहना चाहता है और तुम खफा हो रही हो। माँ के लिए नहीं रुक रहा हूँ, जिसके लिए रुकना चाह रहा है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आओ बेटा, अच्छा किया जो ससुराल चले गए थे तुम। अच्छा ही किया जो चला गया, हकीकत सामने आ गई है। हकीकत? कैसी हकीकत? पूछे पूछे, इसे पूछे अपनी चहेती से। क्या देख रहे हैं आप दोनों, पूछे। क्या हुआ है? कुछ नहीं ताई अम्मी, आप तो जानती हैं राशिद बेला वजह बातों पे गुस्सा करते हैं। खबरदार अगर मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। जाहिर है गुस्सा दिलाने वाली बात की होगी तो गुस्सा किया होगा उसने। बस करो यार, घर में घुसते ही तमाशा शुरू हो जाता है। जाओ बेटा तुम कमरे में जाओ, राशिद को देखो, वरना तुम्हारी ताई के सवालात तो सुबह तक खत्म नहीं होंगे। जाओ। जी ताई अबू। क्या मुंह देख रही हो मेरा, जाओ काम करो अपना। किसने रखा है?
मैंने। क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? ताकि तुम सच साबित कर सको। कैसा सच राशिद? अपनी पारसाई का सच और कैसा? आप मुझ पे शक कर रहे हैं राशिद, ऐसा कुछ नहीं है। यकीन करना चाहता हूं लेकिन यकीन आ नहीं रहा। बताओ मुझे, सच बताओ, खाओ कसम, हाथ रखो, सारी बात बताओ, सच सच बताओ मुझे कि तुम्हारा उस क्या नाम है उसका साथ के बच्चे के साथ कोई चक्कर नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी तुम्हारी? उठाओ उठाओ शामा, चलो। नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। झूठ बोल रही हो, शक्ल से झूठी लग रही हो मुझे, सच बताओ। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं राशि, मेरा उसके साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं था, आप क्यों नहीं यकीन कर रहे? अच्छा, अगर नहीं था चक्कर तो फिर कसम क्यों उठा रही? बोलो, सच सच बोल दो, कसम उठा लो, क्यों हाँ की रिश्ते के लिए हैं? मैंने हाँ इसलिए की थी क्योंकि पढ़ा लिखा था, वो सुलझा हुआ था, इसलिए हाँ की थी, इसलिए नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत थी। हाँ हाँ, वो सुलझा हुआ जाहिल तो मैं हूँ, ये हमारा पूरा खानदान जाहिल है, दो ताने। अगर कोई चक्कर नहीं है तो उठाओ कसम, उठाओ ना, साबित करो सच। नहीं उठाओगी, जानता था मैं, मुझे पता था कोई ना कोई चक्कर जरूर है। बोलो, अगर नहीं है तो फिर उठा लो ना, उठाओ। उठाती क्यों नहीं हो? अब उठाओ ना कसम, क्यों नहीं उठा रही? हाँ क्या है? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं? सच सुनना चाह रहा हूं। और तुम हमारे बीच में बोलो, जाओ शाबाश जाओ। प्लीज राशिद भाई, कुरान पाक को इसके बीच में मत लाए, इससे नस्लें तबाह हो जाती हैं। हम तो हमारी रहनुमाई के लिए इन कामों के लिए नहीं है। अच्छा बस बस, सबक तो पढ़ा मुझे, क्या पूछ लिया मैंने? यही तो पूछ रहा हूं कि शादी किसी और से, मोहब्बत किसी और से? आपको गलत फहमी हुई है, ये ऐसी नहीं है। प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं, प्लीज प्लीज। प्लीज बैठिए। जवाब ऐसा कुछ नहीं है राशिद। आपको सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। अब तो आईने की तरह शफाफ और मैं राशिद भाई से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, फिक्र ना करें। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे मन लागे,
इश्क तेरा सताए सांस है थमी सी नैना मेरे बहते जाए ऐसी जो वफा की गम की चुभन है फिर रुलाए हमर मिटे है दिल लगा सच बताओ खाओ कसम हाथ रखो सारी बात बताओ सच सच बताओ मुझे कि तुम्हारा उस क्या नाम है उसका साथ के बच्चे के साथ कोई चक्कर नहीं था कोई मोहब्बत नहीं थी तुम्हारी तुमने हमको मनाना हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं समरा आपी मैं अभी आपको ही याद कर रही थी बिल्कुल ठीक हूँ इफ्रा वो तुमने राशिद को साथ के बारे में कुछ बताया साथ के बारे में कुछ खास नहीं इफ्रा जो बात तुम्हें बहुत मामूली आम सी लग रही है ना राशिद ने वो बात पकड़ ली पूरे रास्ते वो मुझ पे तंस के तीर चलाते आए इसलिए मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं कि तुमने क्या बात की अच्छा आप ही ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी वो बस रिश्तों की बात चल रही थी तो फिर मैंने बता दिया कि आपके भी कोई कम रिश्ते थोड़ी ना आते थे इसी उसमें साथ भाई का भी बता दिया मैंने इफ्रा क्या जरूरत थी इतनी बकबक करने की लो मुझसे तो रहा ही नहीं गया ना ये राशिद भी अपने आप को क्या आला मखलूक समझते और आपको हकीर कह दिया बस मैंने भी इफ्रा बहुत बेवकूफ हो तुम अपनी बहन को आसमान पे चढ़ाते चढ़ाते फर्श पे गिरा दिया तुमने राशिद को शक हो रहा है ये लग रहा है कि शायद साथ का और मेरा कोई समझ रही हो तुम ओहो अच्छा आई एम सॉरी पता है मैंने सब जान के नहीं किया भाई और ये राशिद भाई भी कितने कमजोर इंसान हैं उन्हें तो आप पे यकीन होना चाहिए ना बीवी है उनकी अच्छा बस ज्यादा बकरात बनने की सुनो आइंदा एहतियात करना है इफ्रा खुदा हाफिज ये गुफ्तगू कैसे चल रही थी इफ्रा से से लग तो नहीं रहा था इफ्रा से या किसी और से आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं मैं इफ्रा से बात कर रही थी राशि अगर फोन चेक करना होगा तो मैं तुमसे पूछूंगा नहीं ना ही इजाजत चाहिए मुझे फोन चेक कर सकने की बच्ची और वैसे भी तुम्हारा ये इफ्रा से लंबी लंबी बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बहन है वो मेरी जानता हूं मालूम है बचपन से देखे तुम दोनों को इतनी लंबी बल्कि इतनी लंबी जुबान है उसकी क्या सिखाएगी तुम्हें बदतमीज है तो बदतमीज है नहीं अच्छा लगता कि तुम उससे लंबी लंबी बातें करो वरना मीटर घूम जाएगा मेरा आप भी तो हर वक्त किसी से बातें करते हैं मैंने कभी मना नहीं किया आपको क्या कहा जात की कोड़ किल्ली और शतीरे को जफ्फा तुम्हारी जरूरत कैसे ही बात करने की औकात से बाहर हो गई हो ज्यादा बकवास ना करो तुम मेरे साथ अभी तक किसी से बात करते हैं तुम हो कौन क्या चीज हो तुम मैं तुम्हारा शोहर हूं आदमी हूं जो दिल में आएगा वही करूंगा
आदमी है, शौहर है, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा मुंह खोला ना तो गले में हाथ डाल के तेरी जुबान खींच के बाहर निकालूंगा और कब्बों को डाल दूंगा। कौन है? क्यों बताऊं कौन है तुझे? क्यों बताऊं? वैसे बता भी दूं तो कोई हर्ज नहीं है। मेरा दिल है, मेरी रूह है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान है, मेरी परी। हेलो परी जी, जज्बाती हो गया हूं थोड़ा सा। आपका फोन आया ना, बहुत अच्छे मौके पे फोन किया आपने। बहुत टेंशन है, कम करें आप। राशिद, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये दूसरी औरत की शराकत, ये मेरे से दूसरी औरत नहीं है। परी जी मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी औरत है, तुम दूसरी हो। जबरदस्ती मुसलत हो मुझ पे। अच्छा तो फिर आज मैं इनसे बात करती हूँ। फोन बंद हो गया। कहाँ रखी है? हेलो हेलो, इश्क नमक जो जख्म फैलाता तो ये सुर हुआ। आधी मोहब्बत आधा फसाना ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे गल लागे मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछता है, हाँ बड़ा पछता है। तुम्हे कदरा वे तुम्हे परवारे। हेलो इफ्रा, कैसी हो? फरमाइए। एक अच्छी खबर है, मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर लूं। अच्छी खबर है तो अपने घर वालों से शेयर करें ना, मुझसे क्यों? मैं तो तुम्हें अपनी घरवाली, मेरा मतलब अपने घर वालों की तरह समझता हूं। बहुत फजूल नहीं बोलते हैं। अच्छा अच्छा नाराज मत, खबर तो सुन लो। जॉब लग गई है मेरी। मुबारक हो। एक मिनट। हाँ इतनी रुकी सुखी मुबारक। हाँ तो क्या करूं, भंगड़ा डालना शुरू कर दूं? भंगड़ा मत डालो, लेकिन अरे बात सुनो, जॉब लग गई है मेरी। मैं चाहता था किसी मुख्तलिफ तरीके से इसे सेलिब्रेट करूं। चाचा फयाज से बात करूं, अब हमारे आगे के मराहिल आसान हो जाएंगे। कौन से मराहिल? रिश्ता, शादी, इन सब के मेरा है। इन सब से मेरा क्या ताल्लुक है? तुम्ही से तो इन सब का ताल्लुक। चाचा फयाज से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, वरना एक बेरोजगार लड़के को अपनी बेटी तो नहीं देंगे ना। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपसे शादी करूंगी? मैंने कैसे सोचा? मैंने नहीं सोचा, मेरे दिल ने सोचा, हमारी नजरें भी यही कहती हैं। दिल दिमाग सब धोखा भी देता है। मैं धोखा नहीं खाता,
उससे बड़ी बात है, मैंने धोखा देता नहीं, शादी तो मैं तुमसे करूँ। हाँ कर सकते हैं भाई, पैसा है, दौलत है, स्टेटस है और तो जॉब भी मिल गई है। जिसे तायाबू ने मेरी बहन का जबरदस्ती रिश्ता करवाया वैसे आप भी करवा सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरी बहन उस घर में खुश नहीं है, राशिद भी उनकी इज्जत नहीं करते और आप चाहते हैं कि अब मैं भी। लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी रजामंदी से, तुम्हारी मर्जी से अपनाऊंगा, जोर जबरदस्ती से इश्क करता हूँ मैं तुमसे। मुझसे पहले और कितनी लड़कियों से कर चुके हाँ ये कोई 4-5, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि किसी ने मुझे घास नहीं डाला। अब सोच रहा हूँ कि छठी बार शायद कोई घास डाले। यानी कि मैं हाँ समझू? जी नहीं, मैंने कब हाँ किए? मुस्कुरा तो नहीं। हाँ तो मतलब? मतलब ये कि हंसी तो फंसी। अच्छा इफ्रा बात, तायबू और चाय लेंगे आप? नहीं बेटा मैं नाश्ता कर चुका हूँ। और तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो रानी? है ना मैंने पहले भी कहा था बहू को घर में काम पे लगा दिया तुमने। हाँ तो अपने घर में कौन सा नौकरों की रेल पेल में रहती थी, वहाँ भी तो काम करती थी ना, यहाँ तो रानी है, नवाज है। खैर तुम बैठो बेटा नाश्ता करो। जी। जवाज कहाँ है? वो तो दफ्तर चला गया। दफ्तर चला गया? उसे मैंने अपने साथ बैंक लेके जाना था। खैर राशिद तुम चलना मेरे साथ बैंक, और समरा बेटा तुम जेवर ले आना जरा जाके। जेवर? हाँ बेटा जेवर, लॉकर्स में रखे जाते हैं जेवर, घर में रखना ठीक नहीं होता। हाँ जाओ लेकर आओ, 3 भारी सेट थे, तुम्हारी माँ ने तो छिलका सा लॉकेट नहीं डाला था। जाओ लेकर आओ। मुझे क्या देख रही हो, लाओ जेवर, उनकी बात मानो। और जेवर तो नहीं है। क्या मतलब है, कहाँ है जेवर? क्या कह रही हो बेटा, कहाँ रख दिए जेवर तुमने? अपने माँ बाप के घर तो नहीं ले गई तुम? नहीं ताईजान, वो दरअसल राशिद की जाप बताइए ना। लो मैं कैसे बताऊँ, जेवर तुम्हारा रखा तुमने, मुझे क्या पता। लो शुरू हो गई फयाज वाली हरकतें। याद है ना आपको, फयाज ने भी अम्मा का लॉकेट बेच कर खाया था। तुम खामोश रहो, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही होती हर वक्त? अरे क्यों ना उखाड़ूं, उनमें से एक मुर्दा जिंदा हो गया है। बस देख ले अब्बा, अम्मी 100% सही बातें करती हैं। चचा फयाज की बेटी है, उन्हीं को दे आई होगी जेवर। समरा कहाँ है जेवर बेटा? तायबू मेरा यकीन करें, मुझसे वो जेवर राशिद ने लिया था। क्या कहा तूने? मैंने लिए थे। श्रुति, राशिद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें बीवी पे हाथ उठाते हुए। और उसको नहीं शर्म आनी चाहिए मुझ पे इल्जाम लगाते हुए। कब लिया मैंने तेरा जेवर? क्यों झूठ बोल रही है? मैंने तो देखा तक नहीं इसका जेवर। मुझे क्या जरूरत है इसका जेवर लेने की? मेरे पास पैसों की कोई कमी है? बचपन से रेल पेल है मेरे घर में पैसों की, सब कुछ देखा है मैंने, तेरी तरह नहीं किसी गरीब घर का। झूठी कह के इल्जाम लगा रही मैं अपने बाप को, देख के आइए
100% ही अपने बाप को दे आई है, पूछे इससे अम्मी। ताया अबू मेरा यकीन करें, राशिद ने खुद मुझसे जेवर लिया था। ओए, फिर वही बकवास, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? मैं तो कहती हूँ ये जेवर अपने पिछलों को दे आई होगी या फिर इसने गुम कर दिया होगा। समरा, सच सच बताओ बेटा, कहाँ है जेवर? तायबू, मैं सच सच कह रही हूँ, अल्लाह की कसम, उस राजन ने कहा था उन्हें पैसों की जेवर की जरूरत है, मेरे पास इतनी सलामिया जितना जेवर था मैंने सब राजन को दे दिया था। मुंह पे झूठ बोल रही है, मुंह पे झूठ बोल रही है ये। अरे मैं तो कहती हूँ फयाज और आफिया को फोन करे, ये तरबियत की है उन्होंने अपनी बेटी की, हाँ अपने शोहर पर झूठे इल्जाम लगाती है ये। अरे खामोश क्यों खड़े हैं, फोन करें ना। राशिद मुझे सच सच बता दो कि जेवर कहाँ है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या बताऊं सच सच? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अब्बा ये जो कल लड़की आई है इसकी बात का यकीन कर रहे हैं, अपने बेटे पे शक कर रहे हैं आप? मुझे क्या जरूरत है इसका जेवर लेने की, इसका एहसान क्यों लेता मैं? मुझे अगर पैसे चाहिए होते तो आपसे मांगता, अपनी दुकान से लेता, अपने दोस्तों से लेता, अम्मी से मांग लेता, इस झूठी का जेवर क्यों लेता मैं? झूठ बोल रही है, कसम से झूठ बोल रही है अब्बा, पूछे आप इसे। मुझे यकीन है ये जेवर दे के आई है अपने बाप को, अभी फोन लगा उनको। उस दिन बड़ी बेचैन फेरी थी ना यहाँ पे, ये जेवर लेके जा रही थी, मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे हद होती है कोई बेशर्मी की, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी बहू ने अपने ही घर में चोरी की होगी, तौबा तौबा। फयाज को फोन लगाओ। ताया अबू प्लीज प्लीज मेरे अबू जी को फोन मत करें, मेरे पास जेवर राशिद ने लिया था, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा है फोन मिलाओ फयाज को।